अध्याय 5 देख रहे हैं, औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने बदली दुनिया, इसके सवाल जवाब देखेंगे। किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक है? पुलिस हो गई, सेना, ड्राइवर जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, पेट्रोल पंप के कर्मचारी, रेलवे और वायुयान के पायलट, व्यापार, ट्रेडिंग, किसान, वैज्ञानिक, औद्योगिक मजदूर, इन व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक है। नर्स के काम में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों है? तो महिलाएं, ये माना जाता है कि वो अच्छे नर्स होती हैं क्योंकि वो अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। रोगियों को जो रोग से पीड़ित है उन्हें घर जैसा स्नेह मिलना चाहिए, जो कि नर्स के रूप में महिलाओं में मौजूद होता है। महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलनात्मक रूप से कम है, यदि है तो क्यों? तो किसानों में खेती का काम कठिन होता है, परिश्रम भरा होता है, जैसे हल चलाना हुआ, कुदाल चलाना हुआ, बोझा ढोना, तो इन कामों को महिलाओं की अपेक्षा पुरुष आसानी से कर पाते हैं, ऐसा माना जाता है। और महिलाओं को इन कामों में मुश्किल हो सकती है क्योंकि महिलाओं का शरीर पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा, अगर बलिष्ठता देखें, थोड़ा सा कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। पुस्तक के वाक्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप जेवियर होते तो कौन सा विषय चुनते? अब जेवियर साहब के मैथ और साइंस में थोड़े कम नंबर आए, ठीक ठाक आए कहने का मतलब, लेकिन इतिहास में बहुत ही बढ़िया इनके मार्क्स आए। तो यदि हम जेवियर होते तो इतिहास का विषय चुनते, क्योंकि कोई भी विषय खराब नहीं होता। अपने किसी भी विषय के प्रति आपकी दिलचस्पी हो सकती है, आप उसको ज़्यादा पसंद करते हो, और उस जहाँ दिलचस्पी हो वहाँ पर अच्छे से पढ़ के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बड़े अच्छे नंबर ला सकते हैं, और अपने लक्ष्य जो भी है आपका, उस ओर आप उस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। तो लड़कों को एक तो माता पिता के अनुरूप परीक्षा में अंक लाने का दबाव है कि भाई शर्मा जी, पड़ोस के शर्मा जी के इतने नंबर आ गए और मिश्रा जी के इतने आ गए, तुम्हारे भी इतने आने चाहिए, एक तो ये रहता है। और कई बार लड़के जाना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, उनको डाल दिया जाता है इंजीनियरिंग में, विषय उनके किसी में अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन जिसमें कम मार्क्स आए उसको, उसकी उनकी कोचिंग लगा के बोला जाता है कि आप ये करिए। लड़कों को एक अच्छी नौकरी हासिल करने का दबाव होता है कि ये माना जाता है, उनको ये फीड किया जाता है कि आप घर चलाओगे तो आपकी नौकरी अच्छी होनी चाहिए, पैसे ठीक मिलने चाहिए ताकि आप आगे की जिंदगी ठीक से जी पाए। माध्यमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? तो माध्यमिक स्तर पर, यानी कि जो मिड लेवल है, 52% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिसमें 57% अनुसूचित जाति के लड़के, 69 यानी कि 69% अनुसूचित जनजाति के लड़के शामिल हैं, और 62% अनुसूचित जाति की लड़कियां और 71% अनुसूचित जनजाति की लड़कियां स्कूल में बीच में ही अपना पढ़ाई छोड़ देती हैं। शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं? तो शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हमें सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते दिखाई देते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर की बात करें तो 63% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिसमें 71% अनुसूचित जाति के लड़के शेड्यूल कास्ट, और 78% अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के बच्चे या लड़के, 76% अनुसूचित जाति की लड़कियां होती हैं, और 81% अनुसूचित जनजाति यानी जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियां या उनको विद्यालय छोड़ने की दर उनकी ज्यादा क्यों है, अधिक क्यों है?
तो उसका कारण कुछ ये है कि आदिवासी वाले जो जगह है, क्षेत्र है, वो मुख्यतः जंगली क्षेत्र होते हैं, जंगल होते हैं वहाँ, यानी कि सेटलमेंट कम है, स्कूलों की संख्या काफ़ी कम होती है, इसलिए इन क्षेत्रों के आदिवासी लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए काफ़ी काफ़ी डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है, जिससे इन आदिवासी लड़के लड़कियों को कई तरह की कठिनाइयाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आदिवासी लोगों में गरीबी काफ़ी अधिक है, इसलिए कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर ही कमाने लग जाते हैं, कुछ जनजातीय लोग पढ़ाई का खर्च भी नहीं उठा पाते, जबकि वर्तमान समय में सरकार ने बच्चों की किताबें मुफ्त, स्कूल ड्रेस के लिए पैसे, मध्याह्न भोजन का प्रबंध कर दिया है। इसके बावजूद पढ़ाई के जो छोटे मोटे खर्च हैं वो भी आदिवासी क्षेत्र के लोग नहीं उठा पाते। प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों के आधार पर एक दंडारेख बनाइए। तो दंडारेख का मतलब ये होता है, ये एक बार ग्राफ है, इसमें लड़कों का अलग हमने लिया है, लड़कियों का अलग लिया है। तो यहाँ जीरो से लेकर हमने 50 तक दिया है, क्योंकि ये नंबर जो है 0 से 50 के बीच में है। तो अगर लड़कों की बात करें तो सभी लड़के, ये देखिए ये नंबर यहाँ पर है इस तरीके से, आप बाकी का बनाएंगे, और लड़कियों के लिए इस तरीके से बनाएंगे, जैसे प्राथमिक कक्षा अलग से बना दीजिए सभी लड़के, तो लड़के ये ऐसा आप लेंगे और लड़कियों के लिए आप यहाँ बनाएंगे। आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा की वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है। तो रूढ़िवादी धारणा जो, जिसे हम कहते हैं कि ट्रिविली जो चला आ रहा है, ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है, तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियां उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती है जितनी सुविधा उनके गाँव में उपलब्ध होती है। अगर उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता होती है तो आगे नहीं पढ़ती। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घूंघट और लड़कियों की कम उम्र में शादी, लड़कियों को चार दीवारी में ही रहना है, ये सारी जो एक कहे भ्रांतियां या रूढ़िवादिता है, ये आज तक प्रचलित है। और अधिकांश परिवारों में लड़कियों के स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने से पहले ही या उनके जस्ट बाद उनकी शादी कर दी जाती है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में या अशिक्षित परिवारों या फिर कहिए रूढ़िवादी परिवारों में लड़कियों को पराया धन मानकर उनकी परवरिश की जाती है कि लड़की को तो अल्टीमेटली शादी करके दूसरे के घर जाना है, और लड़कों को यह माना जाता है कि ये हमारा वंश चलाएगा, इसलिए उनकी परवरिश लड़कों से, ये कहिए लड़कों की परवरिश लड़कियों से ज्यादा बेहतर की जाती है। और कई लोगों का ये मानना है कि लड़कियों का मुख्य कार्य भावी आगे जो परिवार है जहां उनकी शादी होने वाली है उसका उत्तरदायित्व निभाना है, जिसके लिए उच्च शिक्षा के स्थान पर जैसे बाकी कार्य है, सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना बनाना, ये सब चीज़ें उनको सिखाने में ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो कि ये सारी बातें बिल्कुल गलत, आधारहीन, और जो हमारा भविष्य है, प्रोग्रेसिव जो वर्ल्ड है या प्रोग्रेसिव देश है, उसमें कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेजेस हैं, ये रोक है। कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। तो रास सुंदरी देवी रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए जो अक्षर ज्ञान है, यानी कि जो शब्दों को समझना है उनको, फिर उसके बाद उसका यूज करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि तीनों पढ़ाई और अक्षर ज्ञान के लिए काफी उत्सुक थी। आप कहते हैं कि ये मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता या बच्चे पढ़ते नहीं, यहाँ एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है कि ये लोग पढ़ने के लिए आतुर थे लेकिन इनके पास संभावनाएं कम थी। ये तीनों धनी परिवार से संबंधित थी, जहां पर आज देखिए धनी परिवार में बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसी कारण से ये संभव हो सका कि उन्होंने चाहे छुप के चाहे कैसे भी किया, लेकिन इन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। अब इसको आपको स्पष्ट करना है कि भाई ये कथन सही क्यों नहीं है या सही क्यों है। तो यह कथन इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। इसका कारण उनकी रुचि नहीं होना, यह नहीं है कि उनको नहीं पढ़ना, चलिए अब मुझे आगे नहीं पढ़ाई करनी। बहुत कम होता है जो इस तरीके से, इस कारण से छोड़ते हैं। दलित, आदिवासी और जो माइनॉरिटी है, खास करके मुस्लिम वर्ग जो है, जो बहुत ही दबा कुचला है, उनकी लड़कियों को स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हो सकते हैं, क्योंकि देश के जो
बहुत सारे भाग, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्र, वहां नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न तो उचित स्कूल है न ही शिक्षक है। यदि विद्यालय घर के पास नहीं हो और लाने जाने के लिए कोई साधन ना हो या वैन वगैरह की व्यवस्था ना हो, तो जो माँ बाप है, अभिभावक है, वो लड़कियों को स्कूल तो भेजना ही नहीं चाहते। ये इसका मेन कारण हमारा समाज भी है। लड़कियों की सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है माँ बाप के लिए। कुछ परिवार इतने निर्धन होते हैं, इतने पुअर होते हैं कि वो बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते। तो इससे क्या होता है कि अगर लड़के हैं, लड़कियां हैं, मान लीजिए दो लड़के तीन लड़कियां, इस तरीके से कुछ है, तो लड़कों को वो पढ़ाएंगे पहले, लड़कियों को बाद में, या फिर ना पढ़ाएंगे। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि जो शिक्षक है, सहपाठी, उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये जिनका मैंने नाम लिया, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, इनमें बहुत सारे बच्चों के साथ शिक्षक और सहपाठी इनका भेदभाव करते हैं, जिसके कारण भी ये समस्या उत्पन्न हो गई। क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के दो तरीके के बारे में पता कर सकते हैं या बता सकते हैं? महिलाएं क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं? इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन सा तरीके का उपयोग करेंगे? आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे? तो संघर्ष के दो जो मेन तरीके हैं वो ये है कि औरतों के अधिकारों के संबंधों में या उसके परिप्रेक्ष्य में लोगों को जागरूक करना, दूसरा है जो भेदभाव और हिंसा होती है उसका विरोध करना। यदि आपको इनका विरोध, इनके विरुद्ध जो रूढ़ियां चल रही हैं उनके विरुद्ध संघर्ष करना पड़े, तो हम आप ये प्रयास करना चाहेंगे कि समाज में औरतों के अधिकारों के संबंध में आप लोगों को जागरूक करें, ये बताया जाए कि महिलाएं समाज का आधा अंग है। कहने का मतलब 50% पॉपुलेशन है ये, जो अगर परिवार का विकास होना है, समाज का विकास होना है, तो महिलाओं के बगैर नहीं हो सकता। उनको ये भी बताया जाए कि हमारे पूर्वज जो है पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, उनकी जो मानसिकता है वो उस तरीके से बनी हुई थी, इसलिए उन्होंने जो चीज कही वो आज लागू नहीं होती। हम इस भेदभाव को रोके और एक आदर्श समाज का निर्माण करें जहां पर पुरुष और महिला दोनों एक गाड़ी के दो पहियों की तरह चले, और ये जो गाड़ी है ये वो हमारा देश है। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।